देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में हो रही डॉक्टरों के माध्यम से कोक में मौत, जिम्मेदार कौन? कन्याओं को दुनिया में आने से पहले ही 5000 में गर्भ के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। आगरा के अंदर झोला छाप डॉक्टरों को ना पाप का डर है ना कानून का भय। उत्तर प्रदेश सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ठेंगा दिखाते झोला छाप डॉक्टर करते हैं भ्रूण हत्या। जिला आगरा के कस्बा कंडोल स्थित डॉक्टर नीता उर्फ मनी निवासी केरला बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या करने में क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लेडी डॉक्टर भ्रूण हत्या का खर्चा 5000 में बता रही हैं, जिसमें कुछ वीडियो और फोटो के साथ जिला आगरा के कस्बा धीमश्री में भी बताया जा रहा है। यहाँ पर ममता कुशवाहा नामक महिला अपना मेडिकल क्लिनिक चलाती है और उनकी आड़ में ऐसे कार्य करती है। जब मीडिया ने कुंडौल में जाकर सच्चाई जानना चाहा तो कुछ दबंग लोगों ने कवरेज करने से रोका। ढाई महीना करेगा ना बच्चा आएगा, शादी हो गई, कितना टाइम हो गया शादी हो तो बच्चा है नहीं, फिर क्यों मान लो क्या करना है? अभी जरूरत नहीं है ना इसके लिए, सारी उम्र में टाइम हुआ करीबन हो गया एक सवा साल। जरूरत नहीं ना, क्या करना चाह रहे हो? ऑपरेशन करवाना, इसके लिए तुम्हें सुबह आना पड़ेगा। क्या सुबह आना पड़ेगा? सुबह सुबह अभी नहीं पड़ेगा, सुबह के बाद होगी। भाई भाई कितना खर्चा आएगा? ममा ने पीटने के लिए डंडे लेकर आ गए। मामला अधिक गर्म होता देख मीडिया कर्मियों ने नजदीकी पुलिस थाना डॉकी व 100 नंबर को सूचना दे दी। पुलिस में पहुंचने के बाद कवरेज कर पाए, लेकिन उस वक्त पुलिस को देखकर हॉस्पिटल के अंदर से सारे लोग भाग चुके थे। वहीं दूसरा मामला जिला आगरा के धीमश्री कस्बा का है। जब इस विषय में धीमश्री से जाकर कुछ क्लिनिकों डॉक्टर से जानकारी ली तो वह दुकान बंद कर भाग निकले, जिससे साफ जाहिर होता है कि वह वीडियो सही है। कुंडौल व धीमश्री के अंदर यह सब खेल बड़े जोर शोर से चल रहा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई कोई कार्यवाही हो पाएगी या यूं ही योगी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ठेंगा दिखाकर आगरा में कन्या भ्रूण हत्या होती रहेगी। आगरा से यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ।